हेलो एवरीवन, अब हम पढ़ेंगे पांडु रोग की संप्राप्ति के बारे में कि दोनों आचार्य ने बताई है, चरक सुश्रुत और वाग्भट ने। चरक और वाग्भट की एक समान है, सुश्रुत का थोड़ा सा अलग है। तो आइए देख लेते हैं कैसे क्या होता है कि जो हमने आगे के वीडियो में देखा था कि जो पित्त प्रधान जो भी चीज़ों का त्रिदोष, पित्त प्रधान त्रिदोष जो निदान का सेवन करने की वजह से जो मेनली क्या होता है यहाँ पे धातु में शैथिल्य होता है। तो पहले हम आचार्य चरक की संप्राप्ति देख लेते हैं। तो क्या होता है कि ये भी जो भी निदान बताए गए हैं वो जनरली इसमें जो भी निदान बताए वो पित्त को दूषित करते हैं और आश्रय आश्रय भाव से रक्त को दूषित करेंगे और साथ साथ में वात को निदान दूषित करने वाले भी निदान इसमें बताए गए हैं। तो ये दोनों निदान का सेवन करने की वजह से सबसे पहले ये निदान हृदय आश्रित जो हृदय में कौन सा पित्त रहता है, शाधक पित्त, तो उसको दूषित करते हैं। ठीक है, हृदय आश्रित शाधक पित्त को दूषित करेंगे। उसके बाद ये पित्त दूषित होता है और जो कि साथ में वात प्रकोपक निदान का भी सेवन किया गया है तो वो प्रकोपित वात है। अब यहाँ पे रस व श्रुतस का व्याधि है और संवहन का काम, रस संवहन का काम व्यानवात करता है। तो व्यानवात इसको जो प्रकोपित शाधक पित्त है उसको पकड़ के और 10 धमनी के थ्रू हृदय में से त्वचा और मांस के बीच में लाता है। ठीक है, उसके स्थान से उसको अलग कर देता है। उसका मेन स्थान हृदय होता है और वहाँ से अलग करके उसको त्वचा और मांस के बीच में लाता है और वहाँ पे विविध वर्ण की त्वचा की उत्पत्ति करता है। पांडु, हरिद्र, हारित वर्ण की अलग अलग वर्ण की त्वचा की उत्पत्ति करता है। अब ये यहाँ पे त्वचा में आता तो आता है शाधक पित्त प्रदूषित होके, लेकिन ये दूसरी जो प्राकृत जो दूसरे दोष है जैसे वात है, वहाँ पे आश्रित रक्त है, वहाँ पे आश्रित कफ है, उनको भी दूषित करता है। ठीक है, और पांडु रोग की उत्पत्ति करता है, ये हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया है कि ये तो अब हमें ना ऐसे डायरेक्ट मतलब रट लेना है, ऐसा नहीं है कि इस तरह से निदान से वो वापित का प्रकोप हुआ, ऐसा नहीं है। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसमें कौन सा लक्षण, हर एक पेशेंट में हर लक्षण मिले वो भी ज़रूरी नहीं है और हर एक पेशेंट में हर निदान मिले वो भी ज़रूरी नहीं है, है ना। एक ही निदान अगर कोई दो लोगों ने एक जैसे निदान का सेवन किया है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको वो रोग होगा ही। एक व्यक्ति पित्त मतलब प्रकोपक चीज़ों का सेवन करता है, दूसरा भी करता है, लेकिन एक को एसिडिटी होती है दूसरे को नहीं होती है। क्योंकि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सिर्फ निदान सेवन से कभी रोग नहीं होता है, है ना। निदान के साथ वहाँ पे दोष दूष्य के साथ उसकी कंपेटिबिलिटी, उसकी दोस्ती कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि आगे कौन सा व्याधि होगा। वही पित्त अम्ल पित्त किसी में उत्पन्न करता है, वही जो मतलब अम्ल तीक्ष्ण उष्ण वही अम्ल पित्त किसी में उत्पन्न करते हैं, किसी में वो पांडु व्याधि करते हैं, किसी में रक्त पित्त भी करते हैं। तो डिपेंड करता है कि वहाँ पे दोष का कौन सा अंश दूषित हो रहा है, कौन सा गुण दूषित होता है, जिसको हम अंशा अंश कल्पना के नाम से जानते हैं, तो वो भी एक फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि क्षार, अम्ल, लवण, ये सभी चीज़ है जो है वो पित्त को मेनली साधक पित्त को दूषित करती है। ठीक है, तो साधक पित्त है, अब पित्त है तो इसके जो गुण है जैसे स्निग्ध गुण है वो दूषित होगा इसका, है ना। फिर इसके क्या बोलते हैं, उष्ण गुण भी दूषित होगा, तीक्ष्ण गुण भी दूषित होगा, है ना। जैसे रक्तपित्त की बात करते हैं तो वहाँ पे पित्त का द्रव गुण, उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण तीनों बढ़ते हैं। द्रव गुण बढ़ने की वजह से वहाँ पे रक्त की क्वांटिटी बढ़ जाती है, उसी तरह से यहाँ पे पित्त की दुष्टि होती है। ठीक है, और ये जो दूषित पित्त है फिर आगे जाता है वो 10 धमनियों के द्वारा और त्वचा और मांस में आश्रित होता है। ठीक है, और वहाँ पे फिर रस रक्त सबको दूषित करता है। और चूँकि यहाँ पे गौरव एक लक्षण भी लिखा है, आगे चल के हम देखेंगे गौरव मिलता है था, क्यों मिलता है, क्योंकि ये रक्त को दूषित करता है, रस को, रस का जो मल है वो है कफ, और कफ जो है अब यहाँ पे क्योंकि अग्नि मानदेय हो रहा है तो जो रस धातु बनेगी वो प्रॉपरली नहीं बन पाती है ना। तो वहाँ पे इसीलिए आगे जब अगर रस धातु प्रॉपर नहीं बनेगी तो ये त्वचा और मांस में इसका आश्रित होता है। और पित्त खुद के स्थान से हट गया है, जो उसका मेन स्थान है आमाशय, वहाँ से हट के वो त्वचा और मांस के बीच में जा रहा है, तो जनरली ये स्वाभाविक है वहाँ पे अग्निमानदेय होगा। अग्निमानदेय की कंडीशन होगी तो आहार रस अच्छे से नहीं बनेगा तो आम की उत्पत्ति होगी, है ना। और आम की उत्पत्ति होगी तो आगे रस धातु भी अच्छे से नहीं बनेगी, रस धात्वाग्नि का जो
स्थूल पाठ अच्छे से नहीं बनेगा तो रस धातु अच्छे से नहीं बनेगी, उसके सूक्ष्म पाठ से उपधातु और आगे के धातु बनती है वो भी अच्छे से नहीं बनेगी, उसका मल अच्छे से नहीं बनेगा जो कि कफ है, कफ अच्छे से नहीं बनेगा तो गुरुता रहेगी बॉडी में। तो ये हमें समझना है ना कि किस लक्षण, कौन सा लक्षण गौरव यहाँ पे कफ की वृद्धि, कफ जो मल रूपी बनता है उसकी वजह से। फिर आगे हम देखेंगे कि ततो वर्ण बल स्नेहा ये चापी अन्य ओजसो गुणा, यहाँ पे लिखा है देखो दोषा पित्त प्रधानस्तु यश्य कुप्यंती धातुसु शैथिल्यम तस्य धातु नाम गौरवम, गौरव तो कफ की वजह से। वर्ण बल स्नेहा ये चापी अन्य ओजसु गुणा, वर्ण बल स्नेह कम हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो स्नेह है ये रस धातु का गुण है ना, और बल है ओज क्षय की वजह से, वहाँ पे बल क्षय मिलेगा क्योंकि रस धातु अच्छे से नहीं मिलती है, उसके आगे जो रक्त धातु भी अच्छी नहीं बनेगी, उत्तर धातु अच्छी नहीं बनेगी और लास्ट में ओज भी अच्छे से नहीं बनेगा। तो वर्ण का जो काम है वो रक्त का है, रक्त धातु अच्छे से नहीं बनेगी इसलिए वर्ण नहीं अच्छा होगा, स्नेह क्षय होगा, बल ओज के क्षय से कम होगा। ये सभी हमें इस तरह से जोड़ना है कि कौन सा लक्षण किस प्रकार की पैथोजेनेसिस से उत्पन्न होता होगा, और इसके वजह से लिखा है स अल्प रक्त अल्प मेदस को, वो तो सिंपल सी बात है कि रस धातु अच्छे से नहीं बन रही है तो उसका रक्त भी अच्छे नहीं बनेगा, आम रक्त और रस बनेगा उसकी क्वालिटी वाइज अच्छे से नहीं बनेगा, क्वांटिटी वाइज तो ठीक है, मेद अच्छे से, और निहस्तार जो धातु का सार अच्छे से नहीं बनेगा, शिथिल इंद्रिय, इंद्रिय भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगी, ठीक है, और इसको हम पांडु बोलते हैं। तो ये चरकाचार्य ने इस तरह से संप्राप्ति दी है, और सुश्रुताचार्य की अगर हम संप्राप्ति देखने जाए तो उन्होंने सीधे से बताया है कि जो निदान सेवन करते हैं उन्होंने इस तरह से नहीं बताया है कि पित्त को दूषित करता है फिर वो पित्त त्वचा और रक्त के बीच में जाता है, मांस के बीच में और रक्त को दूषित करता है, ऐसा नहीं, उन्होंने सीधे से बता दिया कि ये निदान का सेवन करते हैं और वो तुरंत रक्त धातु को दूषित करते हैं और पांडु की उत्पत्ति करते हैं। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, उसने पूरा घुमा के बताया है चरक ने, और सुश्रुत ने डायरेक्टली रक्त को दूषित बता दिया है। आइए इसके संप्राप्ति घटक देख लेते हैं। तो आपको पता ही है कि दोष इसमें पित्त प्रधान दोष है, दूष्य पता ही है रस रक्त मांस त्वचा, श्रुतस रस्व और रक्तव, दुष्टि संग क्योंकि यहाँ पे अग्निमंदिर तो होता ही है पित्त का अपना स्थान से चलित होने की वजह से, तो आम की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन वाली कंडीशन होती है, और ये सब अधिष्ठान सभी पूरे शरीर की त्वचा आशय आमाशय से ही उत्पन्न हुआ था, पित्त वहाँ से वहाँ गया था, अग्नि धातु अग्निमांद्य चीरकारी ये सभी होने में एकदम से ये चीज़ नहीं होती है, टाइम लगता है, जब लंबे टाइम तक व्यक्ति एक जैसे चीज़ें का एक जैसे निदान का सेवन करता है तब ऐसा होता है। अगर ये स्टार्टिंग फेज में देख लेते तो साध्य है, बाकी ये असाध्य है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। थैंक यू।